हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एमपी हाई कोर्ट ने आज फिर से एक डिसीजन दिया है, मतलब वहाँ डिसीजन ही दिया है, ये समझ लीजिए आपके। इसकी हेडिंग आइए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पीएससी के उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से राहत नहीं, मुख्य परीक्षा में शामिल करने से इनकार। यानी कि फ्रेंड्स, मामला क्या है, देखिए मैं आपको फिर से एक बार हेडिंग पढ़ के बता रहा हूँ। पीएससी के उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से राहत नहीं, मुख्य परीक्षा में शामिल करने से इनकार। यानी कि अभी आपने देखा होगा कुछ समय से कुछ एमपीपीएससी में जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन्होंने ये हवाला देते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अपील की है कि परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन हटा दिए गए थे, उन्हीं से कट ऑफ बनाया था, काफ़ी क्वेश्चन गलत थे, उनके आंसर दूसरे दिए गए थे, इस वजह से हम एक दो क्वेश्चन से चूक गए, तो हमें परीक्षा में बैठने का मौका मिले। लेकिन फ्रेंड्स, अभी कुछ 100 कैंडिडेट ने, जिसमें कुछ ये मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ, जिसमें गारडवारा निवासी कृष्ण नारायण शर्मा और उनके 100 मतलब साथियों ने याचिका दायर की थी कि हमें भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, या फिर उन्होंने बोला है कि मौका दिया जाए, या फिर जिस प्रकार से फ्रेंड राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान पीएससी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि यदि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती हो तो उसके लिए कमेटी गठित की जाए। और भी हम आपको बता दें, जो छत्तीसगढ़ पीएससी है ना, उस पर भी रायपुर जो बिलासपुर हाई कोर्ट ने उसने एक डिसीजन दिया, उनका रिजल्ट पीएससी का रिजल्ट कैंसिल कर दिया और फिर से रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि उसमें भी स्टूडेंट ने जो पीएससी में शिकायत की थी इसी प्रकार की शिकायत की है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, आपने ये जो याचिका दायर की है वो उसकी मेंस की जो मेंस की फॉर्म भरने की डेट थी वो निकल गई है, इस कारण आपको हम फिर इजाज़त नहीं दे सकते। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये, जो जिन स्टूडेंट को पहले ये मौका दिया जा मतलब बोल दिया गया है कि आप को मतलब आयोग से बोला है कि आप इनको मेंस परीक्षा में बैठने का मौका दें, इनका रिजल्ट याचिका के अधीन रहेगा। और हाईकोर्ट ने ये किसने ये मैं आपको हम आपको बता दें, जस्टिस विजय शुक्ला की अकेली एकल पीठ ने ये सभी याचिकाओं पर सुनवाई की है। और अभी फ्रेंड्स, सुप्रीम हाईकोर्ट ने बोला है कि आप आयोग से कि आप एक सप्ते के अंदर ये हमें ये जवाब दें, इस पर मतलब ये जो याचिकाएं इन पर आप जवाब दें क्या करना है। और 25 जून पर जितनी भी याचिकाएं सब पे सुनवाई होगी। फ्रेंड्स, 25 जून तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये और इसमें जो याचिकाकर्ता है उनकी ओर से सिद्धार्थ जैन, सिद्धार्थ सेठ, अतुल चौधरी, विवेक रंजन पांडे और प्रियंकुश जैन ने पक्ष रखा, ये जो वकील थे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये, जितने स्टूडेंट को जिन स्टूडेंट ने जो लास्ट डेट थी 31 मई, उससे पहले याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, उनको बैठने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने 31 मई के बाद याचिका दायर की है, जो कि मेंस का फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उनको पीएससी में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है, यदि मैं स्पष्ट शब्दों में फ्रेंड्स कहूँ तो। और तो ठीक है दोस्तों, हमने आपको ये पीएससी के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, मुख्य परीक्षा में शामिल करने से इनकार, इस ये जो आया है इस पर आपको एमपीपीएससी जो मेंस पर जो डिसीजन हाईकोर्ट ने दिया है, एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर ने, उसके बारे में आपको बताया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ, जिससे कि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।